दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की जो नई वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आने वाली है और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके दिसंबर मंथ में भरे जाएंगे। तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग OBC, SC, ST या फिर जो है EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है अपना कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, सेंट्रल का, स्टेट का, या फिर जो है आपके अनुमंडल प्रधान या फिर जो है ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया। तो इस वीडियो को जो है आप लोग कम्प्लीटली और पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन को प्रेस कर लिया हो, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली होता है। तो अगर आपके कोई छोटी सी भी गलती होती है डॉक्यूमेंट्स में तो आपको जो है यहाँ से बाहर कर दिया जाता है और आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप लोग जो है वक्त रहते इन सभी चीज़ों को, कमियों को दूर कर लें और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली तैयार करवा लें, ताकि आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर ना किया जाए। तो आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा बनवाना है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि अनुमंडल के द्वारा जो है कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा लेते हो, प्रधान से बनवा लेते हो, या फिर जो अपनी ग्राम पंचायत होती है उसके स्तर से जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट इशू करवा लेते हो, जो कि आपका भाई वैलिड नहीं होता है। ठीक है, आपको जो है कोस्ट गार्ड की सिलेक्शन से आउट कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो है आपका एक वैलिड फॉर्मेट नहीं है और ये जो है सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट के अधीन नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग OBC, SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो कोस्ट गार्ड में, साथ ही जो है कट ऑफ में फ़ायदा लेना चाहते हो, तो आपको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाना है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ना कि आपको स्टेट का। तो याद रखिएगा कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप लोग जो है किसके द्वारा बनवा सकते हो और कहां से जो है आप लोग इस कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो भाई EWS वाले क्या करते हैं कि जो EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो अपने स्टेट के स्तर पर बनवा लेते हैं। समझ लीजिए कि कोई कैंडिडेट राजस्थान से है तो भाई वो राजस्थान के स्टेट का जो है EWS सर्टिफिकेट बनवा लेता है, कोई दिल्ली का है तो वो दिल्ली का स्टेट का EWS सर्टिफिकेट बनवा लेता है, जो कि भाई आपके कोस्ट गार्ड में वैलिड नहीं होता है। तो उनको भी भाई आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। अगर आप लोग जो है ये नहीं बनवाते हो तो आपको जो है वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा और आपको जो है वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम ये बात करते हैं कि आप लोग इनको कहाँ से बनवा सकते हो या फिर जो है कहाँ से इन सर्टिफिकेट को इशू करवा सकते हो। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को अपने DM ऑफिस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस, या फिर जो है आपके रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा, या फिर आपके जो एरिया के सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं इनके द्वारा जो है इनकी ऑफिस में जा कर के आपको बोलना है कि मुझे जो है डिफेंस में जो है लगने वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपका सेंट्रल का होता है। ठीक है, आपको जो है वहाँ पर जाके बोलना होगा कि आपको जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो है सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपको डिफेंस में लगने वाला हो। ठीक है, तो भाई वहाँ पे आपको जाके बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जाके नहीं बोलोगे तो आपको जो है वो लोग स्टेट का इशू करके देंगे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि स्टेट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए वो कास्ट सर्टिफिकेट इशू करके दे देते हैं। तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो स्टेट के अधीन नहीं आती है, ये जो है एक सेंट्रल का पार्ट है। तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी भाई सेंट्रल का बनवाना होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है आपको फॉर्मेट कहाँ पर मिलेगा? तो दोस्तों इसके लिए जो वैलिड फॉर्मेट है वो आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, OBC, SC, ST और EWS कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप लोग उस फॉर्मेट में ना बनवाएं तो भाई आप लोग जो है CSC सेंटर जो होते हैं, आपके ऑनलाइन कंप्यूटर शॉप जो होती है ना, जहाँ पर ऑनलाइन काम होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड बनते हैं, इसके अलावा जो आपके जाति मूल वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर जाकर के भाई आप CSC सेंटर से, यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, वहाँ पर जाकर बोल सकते हो कि भाई आपको जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। और अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो वो भाई आपके ई मित्रा केंद्र पर जाकर के जो है
आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आप लोग जो है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप जो है सहज ई मित्रा केंद्र से जो है बना सकते हो, सहज केंद्र जो होते हैं। इसके अलावा यूपी, बिहार और इसके अलावा जो आपके केरल, एमपी वगैरह जो भी हो गए स्टेट बाकी, वो जो है भाई आप इन ऑफिस में जा करके बनवा सकते हो या फिर जो है सीएससी सेंटर से इनको बनवा सकते हो। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो कौन कौन इशू कर सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि आपका जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है या फिर जो सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है उसको कौन इशू कर सकता है, किसके पास में जो है इसके लिए पावर होती है। तो दोस्तों, इसको इशू करने की पावर जो है वो कुछ गेजेटेड ऑफिसर्स के पास में होती है, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, कलेक्टर हो गए, डेप्यूटी कमिश्नर हो गए। इसके अलावा डेप्यूटी कमिश्नर के अलावा जो है आपका एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास सुपरिटेंडेंट ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट, या फिर इसके अलावा जो है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, या फिर जो है आपके रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं वो तहसीलदार से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, या फिर जो है आप लोग भाई इसको जो है अपने एरिया के एसडीओ ऑफिस, ये जो आपके सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं ना, उनके द्वारा भी जो है आप लोग अपने सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट को या फिर जो है सेंट्रल के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को इशू करवा सकते हो। तो भाई इन ऑफिस में जाकर के जो है आप लोग अपने सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो या फिर जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। तो इनके जो भी फॉर्मेट्स हैं वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो है आप लोग भाई इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां से भी उनके फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो है अपने आप जो आपका एरिया ऑफिस होता है वहां से भी जो है आप लोग भाई सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके उसको प्रिंट आउट ले सकते हो और तैयार करवा सकते हो। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है भाई डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको डिजिटल बनवाना है जिसमें कि क्यूआर कोड बना हुआ होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इनको जो है जल्दी से तैयार करवा लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, तो बाद में जो है आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इनको थोड़ा सा सीरियसली लेके जो है पहले से ही तैयार करवा लीजिए। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जो है अब आप लोग मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है हमारी फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस शुरू हो चुकी है कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इसके लिए जो है आप लोगों को सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में जो है आपको डिफेंस की कैटेगरी में जाकर के मुझे यहाँ पर फॉलो जरूर कर लेना है। आप लोगों को यूज़र नेम स्क्रीन पर भी दिख रहा है, और इसके अलावा जो है आप लोग भाई नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और मेक श्योर कि आप लोग जो है फॉलो ज़रूर से कर लें ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने जो है इंट्रोड्यूस किया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एनडीए के लिए। तो भाई यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको प्रायोरिटी में रखा जाएगा रेज हैंड में। इसके साथ ही जो है आपको भाई आस्क ए डाउट भाई फीचर भी दिया जा रहा है, और इसके साथ ही जो है प्लस के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो इसमें इनरोल कर सकते हो, और आप लोग जो है हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को इसमें 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है यहां पर स्क्रीन में इसका ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस देख सकते हो, और इसको इनरोल करने के लिए जो है आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और DPYT10 इस कोड को जो है यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, 10% का ऑफ आप लोगों को इससे और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। और यहां पर जो है भाई प्राइस हाइक होने वाली है जल्दी ही एनडीए कैटेगरी में, तो वक्त रहते इनरोल कर लीजिए, टाइम जो है आपके पास में ज्यादा नहीं है। 1 दिसंबर से जो है इनकी प्राइजेस बढ़ जाएगी। आप लोग जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी यहां पर पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।